अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो पिछले एक हफ्ते से सोनम गुप्ता की बेवफाई के किस्से जरूर सुन रहे होंगे। ये सोनम गुप्ता कौन है किसी को नहीं पता। वाकई में सोनम गुप्ता है और बेवफाई को सोशल मीडिया पर उसकी डाला गया है या कोई ये प्रैंक है कुछ नहीं पता, लेकिन 10 रुपए के करेंसी नोट से लेकर 2000 रुपए के नए नोट से होती हुई अमेरिकी डॉलर और चीनी करेंसी युआन तक सोनम गुप्ता को बेवफा ही बताया गया है। गंजे को कंघी बेचना अब मार्केटिंग की पुरानी टैगलाइन है, क्योंकि अब सोनम गुप्ता की बेवफाई बिक रही है। अब सोनम गुप्ता की बेवफाई कमर्शियल हो गई है। सोशल मीडिया वाली सोनम गुप्ता की बेवफाई को दिल्ली के खान मार्केट का चैटर हाउस बेच रहा है। अपने खाने और ड्रिंक्स के जायके के साथ सोनम गुप्ता की बेवफाई पर ये रेस्टोरेंट डिस्काउंट दे रहा है। सोनम गुप्ता बेवफा है या नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन सोनम गुप्ता किस्मत वाली जरूर है, क्योंकि सोनम गुप्ता के लिए इस वक्त तमाम तरह के ऑफर्स और डिस्काउंट्स मार्केट में आ चुके हैं। इस वक्त हम लोग खान मार्केट में हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर सोनम गुप्ता नाम की जो भी लड़की आएगी उसको 1000 रुपये का मील वाउचर फ्री दिया जाएगा, और साथ ही साथ इन्होंने सोनम गुप्ता के नाम का खास कॉकटेल भी बनाया है। प्रूफ लाना पड़ेगा उनको, वो दिखाएंगे हमें और अपना वाउचर, मील वाउचर अपना वेल कर सकते हैं, और अपना हमारे मेन्यू में से कुछ भी आप खा सकते हैं ₹1000 का वाउचर से। कोई भी एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, और मैं समझता हूँ कि इतना वायरल हो गया ये चीज़, तो हम इसको क्यों यूटिलाइज ना करें, क्यों इसको प्लस पॉइंट में ना लें। तो दिमाग में आया कि हम ऐसा कर सकते हैं, सोनम गुप्ता के नाम पे भी ऐसा ऑफर चला सकते हैं। अब सोशल मीडिया का इवेंट रियल लाइफ का एक्सपीरियंस बन जाए तो भला चकल्लस से कोई कैसे बचेगा। चैटर हाउस में डिस्काउंट मिले या न मिले, सोशल मीडिया वाली सोनम गुप्ता की बेवफाई के किस्से ने आज रेस्टोरेंट में आए लोगों को खाने के साथ गुदगुदाने का भी मौका दे दिया। मौका दे दिया एक अनूठे मार्केटिंग एक्सपीरियंस के गवाह बनने का। सोनम गुप्ता कौन है, सोनम गुप्ता बेवफा है, ये बहुत चर्चित है, बहुत वायरल हो रखा है आजकल फेसबुक पे, ट्विटर पे, मीडिया में, हर जगह हमने देखा, हमने पढ़ा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसी वजह से हमने इनका न्यूज़ देखा था फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो हम यहाँ पे आए, हमने इनका कॉकटेल ट्राई किया और ये डिस्काउंट भी दे रहे हैं, स्पेशल वाउचर दे रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने हमें बताया कि जो सोनम गुप्ता के नाम से लड़की आएगी, अपना आईडी कार्ड दिखाएगी, उनको स्पेशल डिस्काउंट देंगे, एक वाउचर भी देंगे, और कॉकटेल्स भी इन्होंने अपना बनाया हुआ है। सोशल मीडिया वाली सोनम गुप्ता की बेवफाई का दिल्ली में कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है तो भला गुरुग्राम क्यों पीछे रहे। आखिर सोनम गुप्ता से तो उसका भी तारुफ है। गुरुग्राम के इस ईटिंग ज्वाइंट चूर्ण में भी सोशल मीडिया वाली सोनम गुप्ता की बेवफाई बिक रही फुल है। यहाँ कोई सोनम या कोई गुप्ता अपनी वैलिड आईडी प्रूफ के साथ आए तो 10% के डिस्काउंट का फायदा उठा सकती है। अच्छा लग रहा है, हमारे लिए फायदा हो गया। सोनम बेवफा है कि नहीं है वो हमको क्या पता, किसी ने मजाक में किया, लेकिन हमको तो डिस्काउंट मिल रहा है। हमारे दोस्त की पार्टी थी, हम उसके लिए यहाँ पे आए हैं, तो हमको डिस्काउंट मिल गया, अब तो हम और खाएंगे, जी भरे खाएंगे। नाम काइंड ऑफ हर चीज में आ रहा है, बट उसकी वजह से लोगों को डिस्काउंट भी मिल रहा है। वेरी अनएक्सपेक्टेडली ऑफर मिला आज, और ये एक सरप्राइज की तरह था। हालांकि गुरुग्राम का ये रेस्टोरेंट दावा करता है कि वो अपनी इस मार्केटिंग इनिशिएटिव से ये संदेश देना चाहता है कि सोनम गुप्ता बेवफा नहीं है। रेस्टोरेंट के मुताबिक ये तो सोशल मीडिया के कैंपेन को काउंटर करने का कैंपेन है। नया एक कैंपेन लॉन्च किया है सोनम गुप्ता के नाम पे, क्योंकि अचानक से कोई भी कुछ भी फेसबुक पे पोस्ट कर देता है और कोई भी बदनाम हो जाता है। तो हम ये कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं कि आप हमारे रेस्टोरेंट में आए, चेक इन करें और एक पोस्ट करें कि सोनम गुप्ता बेवफा नहीं है। हाँ, एंड आपको एक डिस्काउंट मिलेगा ऑल द सोनम जैन गुप्ता, स्पेशली टू सपोर्ट सोनम जैन गुप्ता। आप एक डिस्काउंट ले सकते हैं 10% का, अपना सपोर्ट शो करने के लिए कि सोनम गुप्ता बेवफा नहीं है। मसला किसी सोनम गुप्ता को डिस्काउंट देने भर का नहीं है। डिस्काउंट तो एक मार्केटिंग आइडिया है जो किसी और बात पर भी दिया जा सकता था। दरअसल सोनम गुप्ता की बेवफाई इंटरनेट के इस दौर में मजाक का वो अंदाज है जो अब से पहले नहीं देखा गया था। क्या इसे जनरेशन का फूड ऑफ थॉट कहें।
एक फ्रेंड है मेरी, सोनम नाम है उसका, लेकिन हाँ उसे शुरू में बुरा लगा, अभी भी बुरा लगता है, गुप्ता नहीं है इसलिए वो थोड़ा सेफ रहती है थोड़ा, लेकिन हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे ही बुरा लगता है। सोनम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब बहुत से रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो सोनम गुप्ता जैसे लोगों के लिए आगे आ रहे हैं ताकि सोशल मीडिया पर उनका मजाक ना उड़ाया जाए। फिलहाल तो आप दिल्ली और आसपास रहते हैं तो आइए और सोनम गुप्ता की बेवफाई को डिस्काउंट मिलते खुद देखिए। दूर रहते हैं तो आसपास के किसी रेस्टोरेंट जाइए, खाइए, खूब खाइए। सोचने समझने में आसानी होगी कि सोशल मीडिया वाली सोनम गुप्ता की बेवफाई का डिस्काउंट जमाने को कितना पचेगा। गुरुग्राम से पवन नारा के साथ अश्विनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। और सोशल मीडिया पर सोनम गुप्ता के बेवफा होने की बात पर जो मार्केटिंग के नुस्खे आजमाए जा रहे हैं वो सिर्फ फूड जॉइंट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली में तो एक ब्यूटी सैलून में भी सोनम गुप्ता के नाम पर फ्री मेकअप हो रहा है। और जब जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ दिल्ली के लाजपत नगर में इस ब्यूटी सैलून पहुंची तो उन्हें एक सोनम गुप्ता मिल भी गई। दीजिए आप भी मिलिए इस सोनम गुप्ता से और सुनिए इंटरनेट के इस धमाल पर वो क्या कहती हैं। बदले प्यार मिले या ना मिले, लेकिन बेवफाई के बदले जो ऑफर्स मिल रहे हैं वो जरूर लुभा रहे हैं। ऐसे में अब सोनम गुप्ता बेवफा हो तो क्या सोनम गुप्ता बेवफा है? मैं नहीं जानती कि वो सोनम गुप्ता बेवफा है या नहीं है, बट मैं नहीं हूँ और मैं क्योंकि सोनम गुप्ता हूँ तो मैं इस ऑफर का पूरा मजा ले रही हूँ। अच्छा, पहले कुछ खराब लग रहा था जब एक के बाद एक नोट्स आने शुरू हुए, आपने भी देखे होंगे, कुछ जोक्स याद है उसमें से? हाँ, बहुत सारे जोक्स आए, बहुत सारे मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे कंटिन्यू पिक्चर्स आ रहे हैं। कल एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें सनी देओल और एक कोई मूवी का उनका पोर्शन था तो वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत फनी था।